हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं बैट वॉर। और बैट वॉर हम आज बैट वॉर खेल रहे हैं, और एक उसके साथ हम ट्राई करने वाले हैं बैट वॉर क्यों खेल रहे हैं, हम क्यों खेलते हैं बैट वॉर। बैट वॉर हम देखो खेलते हैं, हमको क्या करना है, बैट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कोई हमारा एनिमी तोड़ ना जाए, वही वही करना है। तो हम वो क्यों करते हैं, देखो हम बैट बैट है ना, हम ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे भी वूल से पहले है ना उसको सेव करते हैं हमारे बैट को, तो हम है ना वो वुल और एक लकड़ी है बाजू में, उससे नया बेड क्यों ना बने, ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं पता नहीं क्यों। पर हमारा वो क्वेश्चन नहीं है कि बेड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों बेड वॉर हम खेलते हैं, पहले रिचुअल क्या था बेड वॉर का, वो हम बात करने वाले। क्या था पहले ना, एक विलेज था, विलेज विलेज के अंदर है ना, मतलब बहुत सारे विलेज रहते थे, वो बहुत बड़ा विलेज था, उसमें बहुत सारे विलेजर रहते थे। तो क्या हुआ कि एक ना नल्ला विलेजर था, मतलब वो नल्ला था, कुछ काम नहीं करता था, अपन खाली ऐसे ही घूमता रहता था पूरे विलेज में। तो एक वो घूमता रहता था, सब मतलब काम पे चले जाते थे और वो घूमता रहता था। तो उसने ना मतलब सबके बेड बेड लेना चालू कर दिया, मतलब बेड चोरी करना। तो वो सबके बेड ना चोरी कर रहा था, तो रात को मतलब दो तीन बेड रहते थे, और फिर वो एक बेड में सो गया, फिर और एक बचा, तो उसमें सब है ना विलेजर मतलब आपस में ये ना एक दूसरे के साथ है ना फाइट लेने लगे, मतलब फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ खाली एक बेड के लिए, पता क्यों। देखो सोने के लिए सोना इम्पोर्टेंट है, कुछ सब कुछ भाड़ में जाए, सोना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा वो कीमत है। तो फिर आपस में सब लोग फाइट करने लगे ना बंदे, तो फिर क्या हुआ है, एक एक बार है ना मतलब सब के जिसके पास जिसके विलेजर के पास है ना बैट थे ना, वो लोग मतलब प्रोटेक्ट करने लगे अपने बैट को कि दूसरे विलेजर आए और है ना हमारा बैट ना लेके जाए। जैसे मतलब हमारे पास कोई चीज़ है वो चोरी ना हो जाए, तो हम उसके लिए कुछ भी प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। वो लोग वैसे भी प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, अपना अलग अलग बेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कि ना बंदे ना आए नहीं और मारे नहीं। वेट वेट वेट, रुको रुको, ये बंदे को मैं मार चाहता हूँ, ये नूब देखो अभी मेरे को मार देगा, तू मेरे को नहीं आ सकता। गया, अरे मैं अमीर हूँ, मेरे पास दो एमरल है। हाँ हम कहाँ थे, वो बैड बैड मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना अपना ही। ए भाई यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, तो वो विलेजर की वजह से ना आपस में मतलब विलेजर की ना आपस में फाइट हो जाती थी, ऐसे तो नहीं चलता ना फिर, मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ ही फाइट कर रहे हैं बोलो। तो मतलब ऐसे ही है ना बैट वॉर का मतलब हिस्ट्री चालू हुई, क्यों बैट है मतलब अभी तो सब अमीर हो गए, मतलब तो ना रिसोर्सेज की भी कमी बहुत सी, इसलिए मतलब सब वो कर रहे थे, फाइट ले रहे थे एक दूसरे के बैट के लिए। अभी तो वो नहीं है हमारे पास बहुत है, ऐसे ही मतलब रिचुअल टाइप बन गया है कि हमको वो ऐसे फाइट लेनी है, पता नहीं क्यों लेनी है। फाइट लेते लेते भले मर जाए पर हमको लेनी है। और लास्ट में ड्रैगन आता है, मतलब वो ड्रैगन क्यों आता है पता है आप लोगों को, वो ड्रैगन इसलिए आता है क्योंकि मतलब ये लोग लास्ट में मतलब फाइट ही नहीं कर रहे थे, गॉड गॉड खुद को आना पड़ा गॉड को रोकने के लिए, मतलब गॉड तो कुछ नहीं आ सकते वो बिजी है, इसलिए वो ड्रैगन को भेजा के वो विलेज को ना ख़त्म कर गया, वरना ये लोग ना मतलब मानेंगे ही नहीं, मतलब फाइट ही लेते रहेंगे। तो वो मतलब वो आता है तो हमको ख़त्म करके चले जाता है लास्ट में, जो एक बच्चा है वो विनर रहता है, वही एक सर्वाइव करता है। तो ये मेरा गेम प्ले देखो, मैं ना बैट कैसे दौड़ता हूँ, देखो मैं ब्रीजिंग ब्रीजिंग पे संगा मत करना, मैं प्रो प्रो ब्रीजर हूँ, ये बंदा है मेरे को तो कुछ नहीं करेगा, देखो मैं इनविजिबल हूँ, मैं इनक्रेडिबल हूँ, उसको ऐसा लगता है कि नहीं तो ब्लॉक कर लेगा, ऐसे नहीं होता भाई। देखा देखा, वेयर आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग, वेट वेट, बंदा देखो भाग रहा है, अभी मेरे को उसको पेलना पड़ेगा। लेजेंडरी प्लेयर है वो, पता है आपको लेजेंडरी, आपको ऐसा लग रहा है नूब जैसे भाग रहा है, नहीं मेरे बेस में क्या, देखो जीत गया ना, ये बैड वॉर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी दूसरी गेम खेल रहे हैं हम कि इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें मेरे को तो प्रो बंदे चाहिए, ये नूब बंदे पता है
मतलब बहुत सारे होते हैं देखो, ये फैब्रिक, मैथमेटिकेशन, कैसे कैसे नाम होते हैं, मतलब आई डोंट नो, पता नहीं बंदे ऐसे क्यों हैं। मैं तो पहले TNT लग के रस्क रस्क करने का, हम पे किसी कोई करे उससे पहले दूसरे को ही मार दो, थोड़ी प्रोटेक्शन कर लेते, वरना तो नूब जैसे अभी हमारा बैट चला जाएगा तो कोई फिर होगा ही नहीं कुछ। कहाँ पे अटैक करूँ, ऑरेंज पे, क्यों बताया ऑरेंज पे हम अटैक कर रहे हैं, ऑरेंज मेरे को प्रो टीम लग रही है, वो मतलब हम पे ना वो हो सकती है। ये मेरा प्लान था, प्लान का हिस्सा था, मतलब ऐसे मत हंसना मेरे ऊपर कि मैं गिर गया, ये मैंने ना प्लान बनाया था 2 मिनट पहले कि मैं ऐसे गिर जाऊंगा और मेरे को ब्लॉक चाहिए होंगे, क्योंकि ना मेरे को आर्मर चाहिए था, कोई ऐसे जा नहीं, क्योंकि मेरे को ये प्रोटेक्शन करना था। हाँ देखो, प्रोटेक्शन करना था ना, अभी अभी बंदे आते और मतलब नहीं तोड़ जाते, इसलिए मैं इसलिए गिरा था। अभी हम थोड़ी TNT लेके आक्रमण करना पड़ेगा दूसरे बंदों के ऊपर, बंदे हम पे करे उससे पहले हमको दूसरे पे करना पड़ेगा ना यार, ब्लॉक ज़्यादा रखने ही चाहिए, यू नेवर नो, ब्लॉक कभी काम आ जाए। भाई साहब देखो, ये ना ऑरेंज प्रो लग रही है, पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है, देखो उसको कुछ है ही नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब भागो। ये भी मेरा प्लान का हिस्सा था, क्यों पता है, क्योंकि देखो वो बंदा ऐसे गया वो मेरे बेस पे जाएगा, भाई मेरे को बेस मेरा कवर तो करना पड़ेगा ना यार, बेस को बचाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं गया। मेरा बैट पहले ही टूट गया वो अलग बात है, ये मेरा मास्टर प्लान था कि मेरे प्लान के, मैं प्लान के हिसाब से जाता हूँ, मैं कब प्लान बना लेता हूँ साथ में ही, मैं खाली पता ना भूल गया सॉरी, ये मेरा मास्टर प्लान ही था। अभी अभी हम क्या करेंगे, बैड वॉर में क्या होता है कि मतलब हमारा बैड टूट जाता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, खाली रिवेंज लेना होता है, फिर भले मर जाए हम, मेरे को तो रिवेंज मांगता, मैं अभी रिवेंज लेने लेके बिना मैं मरने तो वाला नहीं हूँ। अभी तो ये ज़्यादा हो गया है, अभी तो मेरे को मारना पड़ेगा बंदों को, अभी तो मेरे को गुस्सा बहुत आ गया। देखो अभी मैं, मेरा बंदा तो मेरे को तो उस पर भरोसा नहीं है, 2 रुपए का भी तो भी चल रहा है तो चलने देते हैं। देखो अभी हमको कुछ नहीं करना, खाली उन लोगों का बैट तोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, खाली बैट तोड़ के मरना है, क्योंकि ये TNT पुल से नहीं लगा, ये हमारा प्लान था, क्यों पता है TNT का यूज़ ही नहीं है आगे, TNT यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि देखो वो लोग है ना पहले से ही टीम अप करके बैठे हैं ग्रीन लाइम के साथ, तो इसलिए पहले से ही खतरा हमारे ऊपर बहुत है, इसीलिए देखो देखो वो रेड का मतलब वो ऑरेंज देखो कितना कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट आई लाइक कॉन्फिडेंट, वो मतलब पता है कि ये बंदा तोड़ नहीं पाएगा नूबड़ा, मतलब इसलिए वो देखो ऐसे ही करके बैठा, पर मैं प्रो हूँ ना बचपन। अभी देखो अभी अभी ये बिट्रेल करेगा, मतलब वो ग्रीन अभी उसको मार देगा पिटरे करके, वही मेरा मास्टर प्लान था पता है, मतलब ऐसे ग्रीन अपने आप दोस्तों को लड़ाना मजा आती है, तो मोरल ऑफ स्टोरी है हमको किसी भरोसा नहीं, और मजा आई हो तो ये वीडियो पे लाइक करें ना प्लीज़।